खास जानकारी देने वाले हैं और वीडियो के आखिर में इसके वैज्ञानिक फायदे भी बताएंगे। जनेऊ जिसे संस्कृत में यज्ञोपवीत कहा जाता है, दिखने में तो ये साधारण सा तीन धागों वाला सूत से बना धागा होता है, लेकिन हिंदू धर्म में इसको 16 संस्कारों में से एक संस्कार माना जाता है जिसे उपनयन संस्कार कहा जाता है। आपको बता दें कि जनेऊ में तीन सूत्र त्रिमूर्ति ब्रह्मा विष्णु और महेश के प्रतीक, देवचरण पितृचरण और ऋषिचरण के प्रतीक, सत्व रज और तम के प्रतीक होते हैं और इसे व्यक्ति बाएं कंधे से ऊपर और दाईं भुजा के नीचे पहनता है, मतलब कि इसे गले में इस तरह डाला जाता है कि वो बाएं कंधे से ऊपर रहे। आपको जानकर हैरानी होगी कि जनेऊ के एक एक तार में तीन तीन तार होते हैं, यानी कुल तारों की संख्या 9 होती है। इनमें एक मुख, दो नासिक और दो आंख, दो कान, मल और मूत्र के दो मिलाकर कुल 9 होते हैं। इनका मतलब है हम मुख से अच्छा बोलें और खाएं, आंखों से अच्छा देखें और कानों से अच्छा सुने। जनेऊ में 5 गांठ लगाई जाती हैं जो ब्रह्म धर्म अधर्म काम और मोक्ष का प्रतीक है। ये 5 यज्ञों, 5 ज्ञानेन्द्रियों और 5 कर्मों के भी प्रतीक हैं। तो वहीं जनेऊ की लंबाई 96 अंगुल होती है। क्योंकि जनेऊ धारण करने वाले को 64 कलाओं और 32 विद्याओं को सीखने का प्रयास करना चाहिए। वैसे तो सही मायने में बच्चा जब 8 साल का हो तभी जनेऊ पहना देना चाहिए, उसके बाद ही शिक्षा शुरू करानी चाहिए, लेकिन आज के समय में ऐसा नहीं होता है, इसलिए शादी के पहले जनेऊ पहनाया जाता है। तो चलिए अब आपको बताते हैं जनेऊ धारण करने के बाद के नियम। सबसे पहले तो मलमूत्र विसर्जन के दौरान जनेऊ को दाहिने कान पर चढ़ा लेना चाहिए और हाथ स्वच्छ करके ही उतारना चाहिए। इसका मूल भाव ये है कि जनेऊ कमर से ऊंचा हो जाए और अपवित्र न हो, और अगर जनेऊ का कोई तार टूट जाए या 6 माह से अधिक समय हो जाए तो बदल देना चाहिए। खंडित प्रतिमा शरीर पर नहीं रखते, धागे कच्चे और गंदे होने लगे तो पहले ही बदल देना उचित है। तो वहीं घर में जन्म मरण के सूतक के बाद इसे बदल देने की परंपरा है। जिनके गोद में छोटे बच्चे नहीं है वो महिलाएं भी जनेऊ संभाल सकती हैं, लेकिन उन्हें हर मासिक धर्म के बाद इसे बदल देना पड़ेगा। इसके अलावा बता दें कि जनेऊ को शरीर से बाहर नहीं निकाला जाता, साफ करने के लिए भी इसे कंठ में पहने रहकर ही घुमाकर धो लेते हैं। भूल से उतर जाए तो प्राश्चित की एक माला जप करने या बदल देने का नियम है। अब ये तो आप समझ ही गए होंगे धार्मिक दृष्टि से जनेऊ कितना फायदेमंद है, लेकिन हम आपको इसके सेहत से जुड़े फायदे भी बताने वाले हैं। जो लोग जनेऊ पहनते हैं और इससे जुड़े नियमों का पालन करते हैं वो मल मूत्र त्याग करते वक्त अपना मुंह बंद रखते हैं। इसकी आदत पड़ जाने के बाद लोग बड़ी आसानी से गंदे स्थानों पर पाए जाने वाले जीवाणुओं और कीटाणुओं के प्रकोप से बच जाते हैं। जनेऊ को कान के ऊपर कसकर लपेटने का नियम है। ऐसा करने से कान के पास से गुजरने वाली उन नसों पर भी दबाव पड़ता है जिनका संबंध सीधे आंतों से है। इन नसों पर दबाव पड़ने से कब्ज की शिकायत नहीं होती है। पेट साफ होने पर शरीर और मन दोनों ही सेहतमंद रहते हैं। तो वहीं रिसर्च में मेडिकल साइंस ने भी पाया है कि जनेऊ पहनने वालों को हृदय रोग और ब्लड प्रेशर की आशंका अन्य लोगों के मुकाबले कम होती है। जनेऊ शरीर में खून के प्रवाह को भी कंट्रोल करने में मददगार होता है।